हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, इसमें कहा गया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, जिसको डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल gx। gx पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करना है एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पे थ्री पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमारे पास पी एक्स गिवन है, क्यू एक्स गिवन है, और हमें क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें पार्ट वन की, तो पार्ट वन में हमारे पास पी एक्स गिवन है, पी एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। और जी एक्स हमारे पास है, जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें कोशेंट फाइंड करना है और एक रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। अब कोशेंट और रिमाइंडर हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स को, पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। अब यहां से इसको हम डिवाइड करते हैं जी एक्स, जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब देखो यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है वो टू है। ये कहें कि इस पॉलिनोमियल जो जी एक्स पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है वो टू है और यहाँ जो डिग्री है वो थ्री है, सबसे बड़ी पावर थ्री है। देखो एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाए, तो किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू एक्स बनेगा। तो माइनस टू एक्स यहां नहीं लिखेंगे, एक्स की जो टर्म है उसके वहां पर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। तो ये माइनस के टू एक्स यहां पर लिख दिया। अब इसके हम साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का साइन चेंज करने का मतलब इसमें से माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करते हैं, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स की डिवीजन करते हैं तो भी हम माइनस करते हैं। अब यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स प्लस के और टू एक्स भी प्लस के, तो प्लस के सेवन एक्स और माइनस के थ्री। अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बन जाए, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर हो गए, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू की तो प्लस के सिक्स हो जाएंगे। अब यहां से फिर हम माइनस कर देते हैं, मीन्स पहले हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आ गया हमारे पास, ये सेवन एक्स है ये, और माइनस के थ्री और माइनस के सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस के नाइन हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो डिग्री है वो टू है और यहाँ पे जो डिग्री है वो वन है, तो आगे नहीं चलेगा। हमारे पास जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होगा या तो वो कांस्टेंट होगा, जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, या फिर ये कहें कि रिमाइंडर या तो जीरो ही होगा, नहीं तो उसकी जो डिग्री है, उसकी जो डिग्री है रिमाइंडर की, वो जी एक्स की डिग्री से लेस होगी, हमेशा लेस। अब यहां पे देखो इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री वन है, तो लेस होगी, तो आगे नहीं, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक्स माइनस थ्री, तो यहां पर लिख देंगे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास सेवन एक्स माइनस नाइन। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की, तो ठीक इसी तरह से हम पार्ट सेकंड में करेंगे। पार्ट सेकंड में हमारे पास पी एक्स गिवन है एक्स रेस टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा सिमेट्रिकली लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिखा फिर एक्स की टर्म लिखते हैं, तो ये माइनस का एक्स लिख दिया और फिर कॉन्स्टेंट पीछे लिख दिया प्लस वन, तो ये माइनस वन आगे कर दिया और प्लस का वन पीछे कर दिया, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब इसका हमें क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर हमें इसका फाइंड करना है। तो कोशेंट और रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे, तो फिर ठीक जैसे हमने पार्ट वन में किया है ठीक इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे एक्स रेस टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव। अब यहां पे हमारे पास डिवाइड करेंगे जी एक्स से जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक्स रेस टू पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेस टू पावर फोर हो जाए तो एक्स स्क्वायर से कर देते हैं, तो ये एक्स रेस टू पावर फोर हो गया। जब इसके एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये माइनस के एक्स क्यूब बनेगा, देखो यहां पे एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, तो यहां सबसे लास्ट में लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की वन के साथ करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अब माइनस कर देते हैं यानी कि साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप देखें कि माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के फोर एक्स स्क्वायर हो गए और प्लस के फोर एक्स, प्लस के फोर एक्स और प्लस के फाइव, और एक ये बच रहा है हमारे पास प्लस एक्स क्यूब। अब देखो प्लस एक्स क्यूब को यहां लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, सिमेट्रिकली हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी पावर ही आएगी, तो सबसे आगे तो ये एक्स क्यूब ही आएगा प्लस का, तो ये एक्स क्यूब को हमने इस पावर को हमने सबसे एक्स क्यूब को जो है हमने सबसे पहले लिख दिया, तो सबसे पहले हमने प्लस का एक्स क्यूब लिख दिया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस के फोर एक्स स्क्वायर, प्लस का फोर एक्स और प्लस का फाइव। अब एक्स स्क्वायर की कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगी, तो एक्स से ही करनी है तो प्लस एक्स कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यूब। इसके साथ करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और इसके साथ करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। माइनस कर देते हैं मीन साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस के फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर का मतलब प्लस का वन एक्स स्क्वायर, तो माइनस के फोर और प्लस का वन है तो माइनस के थ्री रह जाएंगे, कौन रह जाएंगे एक्स स्क्वायर, प्लस के फोर एक्स और माइनस का एक्स, तो प्लस के फोर है और माइनस का वन है तो प्लस के थ्री रह जाएंगे और कौन रह जाएंगे एक्स, और ये प्लस फाइव भी है हमारे पास। अब यहां एक्स स्क्वायर है और यहां माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री हो जाए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाए तो माइनस थ्री से कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री से करेंगे तो ये प्लस के थ्री एक्स हो जाएंगे, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स के और थ्री के साथ करेंगे थ्री एक्स, इसकी माइनस थ्री के साथ करेंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। अब माइनस करेंगे यानी कि साइन चेंज करेंगे, पहले ये प्लस का हो गया, ये हमारे पास माइनस का हो गया और ये हमारे पास प्लस का हो गया। अब ये देखो माइनस के थ्री एक्स है और ये प्लस के थ्री एक्स के लिए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, थ्री एक्स और ये माइनस थ्री एक्स, तो ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के फाइव और प्लस के थ्री तो प्लस के एट आ जाएगा, तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि कोशेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर है हमारे पास एट, तो रिमाइंडर इज एट, तो ये हमारे पास पार्ट सेकंड हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, तो पार्ट थर्ड भी देख लेते हैं एक बार। पार्ट थर्ड में है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो पीएक्स है, पीएक्स गिवन है, पीएक्स एक्स रेस टू पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जीएक्स हमारे पास गिवन है टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर पीछे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी पार्ट यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे और ये टू यानी कि प्लस का टू लिख दिया।
अब हमें निकालना है क्वेश्चन और रिमाइंडर। क्वेश्चन और रिमाइंडर हम डिवाइड करके फाइंड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, देखो पीएक्स लिख लेते हैं, हमारे पास पीएक्स है एक्स रेस्ट टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और हमें करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। तो माइनस एक्स स्क्वायर की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की एक्स रेस्ट टू पावर 4 है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स 4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से तो करना ही पड़ेगा, और जैसा इसका साइन है वैसा ही बनाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास हो जाएगा एक्स रेस्ट टू पावर 4 और 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ना तो यहां इसके नीचे लिख सकते हैं ना इसके नीचे लिख सकते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर अलग से लिख दिया। रिपीट कर रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ की तो माइनस प्लस के एक्स रेस्ट टू पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर की 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ऐसी टर्म नहीं है इसमें, तो पीछे की तरफ लिख दिया। अब हम माइनस करेंगे यानी कि साइन चेंज कर लेते हैं पहले, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस के हो गए, तो ये प्लस के 2x स्क्वायर, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 5x और प्लस के 6, क्योंकि पीछे लिखेंगे तो अजीब लगेगा, सिमेट्रिकली हम लिख लेते हैं इसको, आगे लिखते हैं पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे कम फिर उससे कम। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, तो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 की माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस 2 किसके साथ करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अब यहां पर ये माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस का 5x आ गया, माइनस प्लस के 6 और प्लस के 4, तो ये प्लस के 10 हो गए। अब देखो जो डिग्री है रिमाइंडर की वो कम होगी डिवाइजर से, जो डिग्री है रिमाइंडर की वो हमारी जो डिवाइजर है उससे कम होगी, तो आगे नहीं चलेगा, तो ये ही हमारा रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास माइनस 5x और प्लस 10, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप नंबर्स में डिवीजन करते हैं ठीक उसी तरह से है, कुछ भी अलग बात इसके अंदर नहीं है। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से ही है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। इसमें कहा गया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हमें ये चेक कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का, बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो ये तो हम करेंगे फैक्टर चेक करने के लिए। अब सपोज करो देखो हमें चेक करना है कि 3/18 का फैक्टर है या नहीं, तो हमें पता है कि 3/18 का फैक्टर है, तो फैक्टर है मींस अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी टर्म किसी दूसरी टर्म का फैक्टर कब होगी, जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें यह बताना है कि ये जो फर्स्ट पे यहां पे हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है कि क्या ये इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ, तो जब हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया then no this is not the factor of this polynomial। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेसिक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो सिंपल डिवीजन है ये भी हमारे पास, हमें क्या करना है डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो यहां पे 2t रेस्ट टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब
माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी और माइनस ट्वेल्व, इसको डिवाइड कर रहे हैं हमें टी स्क्वायर माइनस थ्री से। अब आप देखो यहां टी स्क्वायर है, यहां टू टी रेस टू पावर फोर है, यहां वन है, यहां टू है, तो टू से तो करना पड़ेगा। ये टी स्क्वायर है, ये टी रेस टू पावर फोर है, तो टी स्क्वायर से भी करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है टू टी स्क्वायर से। तो टू टी स्क्वायर के साथ करेंगे टू टी रेस टू पावर फोर हो जाएगा, और टू टी स्क्वायर की माइनस थ्री के साथ करेंगे तो माइनस के सिक्स टी क्यूब हो जाएगा। सॉरी यहां तक टी है ही नहीं है, स्क्वायर पर लिखा जाएगा, तो माइनस के सिक्स टी स्क्वायर, क्योंकि तो माइनस थ्री है, माइनस थ्री की टू टी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस के सिक्स टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस हो गया और ये हमारे पास प्लस हो गया, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री टी क्यूब। अब यहां पे देखो माइनस के टू टी स्क्वायर है और प्लस के सिक्स टी स्क्वायर है, तो माइनस के टू है और प्लस के सिक्स है, तो प्लस के फोर बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे टी स्क्वायर, माइनस के नाइन टी और माइनस के ट्वेल्व। अब यहां पे टी स्क्वायर है और यहां थ्री टी क्यूब है, यहां वन टी स्क्वायर है, यहां थ्री टी क्यूब है, तो वन से थ्री कैसे बनेगा, जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां टी स्क्वायर है, यहां टी क्यूब है, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर, सॉरी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी स्क्वायर की टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब हो जाएगा, तो थ्री टी से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, थ्री टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री टी क्यूब, और थ्री टी से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के नाइन टी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी माइनस थ्री की थ्री टी से करनी है, तो माइनस के नाइन टी। अब यहां पर ये माइनस और ये प्लस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देखो ये माइनस नाइनटी और ये प्लस के नाइनटी है, तो ये भी इसके साथ कैंसिल होगा, हमारे पास रह गया फोर टी स्क्वायर माइनस के ट्वेल्व। अब ये टी स्क्वायर है, ये फोर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की फोर के साथ करेंगे तो फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस फोर से, तो फोर से करेंगे फोर टी स्क्वायर, फोर किसके साथ करेंगे तो माइनस के ट्वेल्व, माइनस करेंगे मीन्स पहले साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस और ये प्लस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो अब देखो क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया, तो यस टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, सिंस रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू जीरो, सो टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है टू टी रेस टू पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी और माइनस ट्वेल्व, इसका ये हमारे पास फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर इज जीरो सो टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ, यही तो पूछा गया था कि चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, और आप लिखना चाहो तो यस ये भी लिख सकते हैं, यस ये तो यस होगा इसका आंसर, या फिर नो होगा तो यस, यहां पे जो रिमाइंडर जीरो आ गया इसका आंसर यस। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट। प्यारे बच्चों मैं सारे पार्ट इसमें से कर रहा हूं, आपके लिए भी छोड़ सकता था, लेकिन इस ऐसे किए जा रहे हैं ताकि आपके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चन की, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें, तो पार्ट सेकंड में हमारे पास हमें डिवाइड करना है थ्री एक्स रेस टू पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू को डिवाइड करना है हमें, और किससे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन से। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स रेस टू पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर से तो करना ही पड़ेगा, यहां वन एक्स स्क्वायर है, यहां थ्री एक्स रेस टू पावर है, वन का थ्री बनाना तो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर की हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स रेस टू पावर फोर, और थ्री एक्स स्क्वायर की जब इसके साथ करेंगे थ्री के साथ करेंगे तो नाइन, और एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसके जब वन के साथ करेंगे तो वन की थ्री के साथ करेंगे तो थ्री हो जाएगा, तो ये प्लस के
थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस करने के पहले साइन चेक करते हैं, माइनस माइनस और माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो गया, प्लस के फाइव है और माइनस के नाइन है, तो माइनस के फोर बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे एक्स क्यूब, प्लस के सेवन और सॉरी माइनस के सेवन है और माइनस के थ्री है तो माइनस के टेन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस के टू एक्स और प्लस टू। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स से करना पड़ेगा, यहाँ वन एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस फोर एक्स क्यूब है, तो वन का माइनस फोर बनाने के लिए माइनस फोर से भी करना पड़ेगा, तो माइनस फोर एक्स से करते हैं, तो माइनस फोर एक्स से करेंगे तो ये माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस फोर एक्स से करेंगे तो माइनस फोर से करेंगे तो माइनस के ट्वेल्व और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर के साथ करेंगे तो माइनस के फोर एक्स हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के टेन और प्लस के ट्वेल्व, माइनस के टेन और प्लस के ट्वेल्व तो प्लस के टू बचेंगे, क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस के टू और प्लस के फोर तो प्लस के सिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एक्स और प्लस के टू, यहां एक्स स्क्वायर है यहां टू एक्स स्क्वायर है तो टू से कर देते हैं, तो टू हमारे पास हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, माइनस माइनस और माइनस, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, जीरो। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया जीरो, तो यस, तो आप सिंपली यस भी लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख दे कि सिंस रिमाइंडर इज जीरो सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स रेज टू पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो इस तरह से पूरा आप लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकेंड। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट थर्ड की बात करें, तो पार्ट थर्ड में हमारे पास है एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन से। यहां से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं स्टेटमेंट, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ठीक है। अब देखिए यहाँ x क्यूब है और यहाँ x रेस्ट टू पावर फाइव है, तो x स्क्वायर से कर लेते हैं, तो ये x रेस्ट टू पावर फाइव x स्क्वायर के साथ किया तो x रेस्ट टू पावर फाइव, यहाँ x स्क्वायर किसके साथ करेंगे तो माइनस के थ्री एक्स क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि ये x है और ये x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएंगे, और यहां से x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का हो गया। अब देखो माइनस के फोर एक्स क्यूब है और प्लस के थ्री है, माइनस के फोर और प्लस के थ्री तो माइनस का वन बचेगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब, तो माइनस वन एक्स क्यूब को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, और क्या है हमारे पास प्लस का थ्री एक्स और प्लस का वन। अब देखो ये माइनस ये हमारे पास है एक्स क्यूब, ये है माइनस एक्स क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब बने तो माइनस वन से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, इसकी माइनस वन से करेंगे तो ये प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा, इसकी माइनस वन के साथ करेंगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा। अब ये प्लस का हो गया, ये हमारे पास माइनस का हो गया और ये हमारे पास प्लस का हो गया, तो प्लस से माइनस सॉरी तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। अब ये माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 3x और ये माइनस के 3x ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई, यहां भी कैंसिल हुए, देखो 1 और 1 2 जान कुछ कैसा क्वेश्चन दिया 1 और 1 2 तो 2 बच गए। यहां भी लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, साथ में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, सो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स रेस टू पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नोट या फिर नो। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।